कृष्णा जय कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 17-18वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच कर्मणो यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यपश्ये अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। तीन चीजों को बोद्धव्यम जानना चाहिए। एक चीज है कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म। इनकी गति, इनके तत्व को, इनके सिद्धांत को हमको सबको जानना चाहिए। क्या क्या जानना है? पहले कर्म के बारे में। हम अपने जीवन में कर्म के सिद्धांत को समझ लेंगे तो उसके द्वारा हम पर क्या प्रभाव होगा। हमने पिछले बार तृतीय अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया था, अभी शॉर्ट में बताते हैं। जब हम कर्म के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो हम दूसरों को अपने जीवन के दुखों के लिए बदनाम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन में आ रहा है अपने ही प्रारब्ध के कारण है। तो हमारे जीवन के सुख दुख के लिए दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद अपने अगले जन्म का जो ढांचा बनाना है कि अगले जन्म में हम क्या होने वाले हैं, उसकी ब्लूप्रिंट हम इस जन्म में बना सकते हैं और इसीलिए अपने जीवन को योग्य सिद्धांतों के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलावे। ये जिसने जान लिया, समझ लिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अपने आप सुधारेगा। ये कर्म के बारे में जानना चाहिए बोद्धव्य। दूसरी बात, जब हम बताते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमको इस जन्म में सुख दुख प्राप्त होते हैं और इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुख दुख प्राप्त होंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम हमेशा बने रहते हैं। इस देह के पहले भी हम थे, इस देह में हम हैं और बाद में भी रहेंगे। यदि ये हमको समझ में आया तो अपने आप मृत्यु का भय हृदय से निकल जाएगा। महात्मा जी, आज आपका यहां इको हो रहा है, इको कम करो थोड़ा। तो यह कर्म का सिद्धांत जानना चाहिए। तीसरी बात, जिस व्यक्ति का जीवन सुधर गया और जिसके हृदय से मृत्यु का भय निकल गया, वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। और इसलिए ये कर्म की गति जानना बड़ी आवश्यक बात है। दूसरी बात, विकर्मणा च अपि बोद्धव्यम्। विकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। विकर्म माने का निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म माने जिन कर्मों के द्वारा हम कर्म के बंधन में फंसते हैं, वो है निषिद्ध कर्म। वो निषिद्ध कर्मों में भी दो है। एक तो है एकदम सरासर निषिद्ध कर्म, जैसे किसी की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को लूटना, ये सब निषिद्ध कर्म है, किसी को धोखा देना। और दूसरे ये भी आ सकते हैं कि जब हम अपने जीवन में काम्य कर्म करेंगे तो अपने आप कर्म के बंधन में आ जाएंगे। तो इन दोनों को समझ करके इनका त्याग करना, ये समझने की बात है, इसको भी बोद्धव्यम। यहां तक हमने कल देखा था। तीसरी बात है अकर्मणा च अपि बोद्धव्यम्। अकर्म किसको कहते हैं? जिसमें कर्म का अभाव है उसको भी जानना जरूरी है। अब कर्म का अभाव किसमें है?
कर्म का अभाव केवल परमात्मा में है। इसीलिए अकर्मणा च अभिबोधव्यम का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में कर्म में लगे रहे, लेकिन समझने की बात है परमात्मा। तो समझदारी से कर्म करेंगे तो हम अपने अंतकरण को शुद्ध करेंगे, समझदारी से जीवन जिएंगे तो हम अपने हृदय से मृत्यु का डर निकाल डालेंगे, और समझदारी के साथ रहेंगे तो अपने आप तत्व की जिज्ञासा हो जाएगी। और जिसको तत्व की जिज्ञासा हो गई है वही इस तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से अकर्मणा अपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, क्योंकि ये कर्म की गति समझने के लिए बड़ी कठिन होती है। इसके बाद अब ये सिद्धांत बताते हैं 18वें श्लोक में, कर्मणि अकर्म यहां पश्येत। इसके अनेक प्रकार के अर्थ हैं साधु संतों ने किए हुए, हमको तो कहीं थीसिस लिखना है नहीं, तो हम एक ही अर्थ बताएंगे, उसको जीवन में उतारें। एक बात हम सब लोग अभी तक समझ गए होंगे कि प्रत्येक श्लोक का अर्थ करने के बाद हम लोग ये बात देख रहे हैं कि ये अर्थ हमारे जीवन में उतर रहा कि नहीं, इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। न तो केवल प्रवचन प्रवचन हो गया और बढ़िया ज्ञान इकट्ठा हो गया और दूसरों को भी धड़ाधड़ श्लोक मार रहे हैं, जैसे लोग शेर मारते ने बोलते बोलते, वैसे सत्संगी बीच में श्लोक मारते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे जीवन में उतरता है कि नहीं, यहां हमको ध्यान देना है। इस दृष्टि से हम इस 18वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत। अभी हमने आपको बताया अकर्म कहते हैं परमात्मा को, जो कर्म में परमात्मा का दर्शन करता है वही दर्शन करता है ठीक से परमात्मा का। अब कर्म में कैसे परमात्मा का दर्शन करना, ये बात हमको 24वें श्लोक में जाकर के भगवान बताएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म यानी परमात्मा का दर्शन देखता है, अब कर्म में परमात्मा का दर्शन केवल इन बातों से हमको समझ में आ सकता है। पहली बात, आप सभी संतों ने रामचरितमानस तो कंठस्थ किया ही होगा, तो उसमें एक बात आती है, जब जब भगवान रामचंद्र जी किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो एक बात तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखी है कि भगवान रामचंद्र जी उत्साह और हर्ष के साथ अपने कार्य को चल पड़े। ये महत्व की बात है। जैसे अपने कन्हैया लाल को देखो, इन्होंने जब अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश करने का समय आया तो उस समय संजय महाराज रिपोर्ट करते हैं कि भगवान ने प्रहसन इव अपने चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रेम, इन दोनों को रख करके फिर उन्होंने भगवद गीता का उपदेश शुरू किया है। तो जब हमको बताया जाता है कि जो कर्म में अकर्म माने परमात्मा का दर्शन करता है, का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में ये दो बातें होना आवश्यक है। जो भी कार्य हम करते हैं वो उत्साह के साथ करते हैं और प्रसन्नता से करते हैं। जिस कार्य की शुरुआत उत्साह और प्रसन्न के साथ होगी वहां उस कर्म में हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। दूसरी बात, भगवान ने जैसे बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो भगवान के कर्म की दिव्यता क्या है वो भी हमने देखी थी। भगवान के कर्म की दिव्यता दो प्रकार से है, उनमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव है और दूसरा नमे कर्म फले स्पृहा, उनको किसी भी कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं है। तो जब हमको बता जाता है कि कर्म में अकर्म माने परमात्मा का दर्शन करना है तो हमारे जीवन में किसी भी कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान और फल की अपेक्षा, ये दोनों अपने आप निकल जाएंगे। तीसरी बात, जिस व्यक्ति को कर्म करते समय आनंद की अनुभूति हो रही है उसको उसी समय भगवान का दर्शन हो गया। एक बात बड़ी विचित्र हम लोगों के दिमाग में बैठ गई है, भगवान का दर्शन करना माने
हमने अपने आप को देह के रूप में इतना जबरदस्त स्वीकार कर लिया है कि इसका एक रूप हमने एक बार किसी को कहीं अपने अपने कहा बांद्रा के प्रवचन में हमने उस दिन बताया, हमको पता नहीं किसी के दिमाग में ये प्रश्न था, हम अपने ब्लफ करते जाते, लोगों के ब्लफ निकलते जाते। वहां उस दिन ऐसा विचार आया कि जब व्यक्ति अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करता है और देह का तादात्म्य खत्म नहीं हुआ और फिर वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि की भावना की साधना करता है, अगेन आई रिपीट दिस, जब हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ और फिर हम भावना करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मुझ में देश का परिच्छेद नहीं है, मुझ में काल का परिच्छेद नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा दिव्य भव्य महान हूं। लेकिन ये भावना करते समय हमारा देह का तादात्म्य समाप्त नहीं हुआ तो कैसी भावना होगी, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि इतना बड़ा मेरा सर जैसे सूर्य का जितना आकार है उतना मेरा सर, और पृथ्वी के जैसे मेरे पैर और चंद्रमा के जैसे मेरी आंखें, ऐसी हम एक बहुत बड़ी कल्पना कर लेते। ये क्यों हुई कल्पना, क्योंकि हमने पहले अपने देह के आकार का तादात्म्य नहीं छोड़ा था, और इसी के कारण जहां भगवान के दर्शन की बात आती है तो हम कल्पना करके बैठते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ, हमारे कन्हैयालाल पीताम्बर के पैंट पहन करके आ गए और हाथ में उन्होंने एक बांसुरी ले ली और आकर के ऐसे दौड़ के आए कि महात्मा जी मेरे दर्शन कर लो, आई एम कन्हैया विद विजिटिंग कार्ड प्लीज, फिर वो फट से अपना मोर पंख निकालेंगे, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड। इस प्रकार से हम भगवान को एक व्यक्तित्व में बांध करके उनका वैसा दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। देखो भगवान को जब हम आनंद स्वरूप समझेंगे कि भगवान आनंद स्वरूप है, और आनंद किसको कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है उसको कहते हैं आनंद, स्वतंत्र अस्तित्व को आनंद कहते हैं। हमारा अस्तित्व कितनी चीजों पर अवलंबित है इसीलिए हम दुखी रहते हैं, तो जहां हमने स्वतंत्र अस्तित्व को आनंद और इसी को परमात्मा स्वीकार किया है, तो हमको जब अपने कर्म में बिना किसी कर्तृत्वाभिमान और कर्म की अपेक्षा बिना इसके यदि आनंद का अनुभव आएगा तो समझ लेना हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन समझो रूप में हो भी गए, भगवान आकर खड़े, अच्छा देख ले मुझे जल्दी जाना है, वहां भीड़ है बहुत, कब तक खड़े रहोगे, कब तक देखते रहोगे, आगे क्या। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्चित का तात्पर्य हुआ, कर्म में भगवान का दर्शन, और कर्म में भगवान का दर्शन माने हम प्रत्येक क्षण जो भी कुछ कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारे हृदयस्थ आनंद को हम इस जगत में बिखर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में रहने वाले आनंद को बिखेरता है ना, वो छोटी मोटी चीजों के ध्यान नहीं देता। जैसे ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति है, और इसी में इसीलिए इसमें देखते हैं हम कितना वेस्टेज है, समुद्र की पानी की लहरों की जो एनर्जी है शक्ति है वो वेस्ट हो रही है, सूर्य की जो ऊर्जा है कितने करोड़ों टन की बिजली या जो भी शक्ति है वो प्रत्येक क्षण व्यस्त हो रही है, क्योंकि जिसमें अनंत आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है उसमें एक्स्ट्रा वैगनजा नेचुरली होता है। तो अपने जीवन में कर्म में आनंद की अनुभूति हुई तो हमने भगवान का दर्शन किया है। अब देखो कितना बढ़िया आपको दर्शन करा दिया, कर्मणि अकर्म यहां पश्चे, कार चलाते समय आपको आनंद आ रहा है तो भगवान का दर्शन हो गया,
कार चलाते समय पता नहीं बम्बई की ट्रैफिक कब खत्म हो गई, इस बम्बई का नाम बदल देना चाहिए, आमची मुंबई नहीं, आमच जामनगर, इट हैज बिकम जैम एवरी टाइम, सो लेट अस नेम इट एज जामनगर। एक बार एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई थी कहीं से पता नहीं, और बड़ी शर्मा करके खड़ी थी ऐसे दूर से, और हम बैठे थे वहां, तो हमने कहा भाई हम इसमें सबको जानते, इस अम्मा को नहीं जानते, क्या कहाँ की हो क्या नाम बताओ। तो आके स्वामी जी मैं अमुक अमुक, बढ़िया बात है, कहाँ से आई हूँ, हाँ कुछ नहीं स्वामी जी, मैंने क्यों, हाँ कुछ नहीं जी मुझसे गांव का नाम है, मैं स्वामी जी हम जामनगर से आए, तो इसमें शर्माने की क्या बात है, जामनगर कोई बुरा गांव थोड़ी है, जामनगर तो हमारी बम्बई है असली में, आपका तो केवल नाम है, बम्बई उसका रूप है। तो जहां हम ड्राइविंग करने के लिए बैठे गुस्सा क्रोध आया, तो हमने इस कर्म में भगवान का दर्शन करने का मौका खो दिया। जब हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय प्रसन्नता होगी आनंद होगा, तो उसमें अपने आप हमको भगवान का दर्शन हो रहा है, ये तो खाना बनाएंगे भी और हमेशा अपने आप को दुखी बना के रखेंगे। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, ये बहुत बहुत सरल और साधारण बात है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, कर्म में भगवान का दर्शन करना वाले कर्म करते समय ही आनंद की अनुभूति है, बाद में नहीं, बाद में किसने देखा है, उधारी का धंधा नहीं। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, अकर्मणि च कर्म यहां, अब दूसरा ये शब्द जो अकर्म है इसका अर्थ है यहां निकम्मापन। कई बार ऐसे लगता है ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, अरे बाबा कुछ नहीं करना भी करना ही है। तो अकर्मणि च कर्म यहां का तात्पर्य है, यदि हम ये कल्पना करेंगे कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़ छाड़ के बैठ लेंगे, तो ये कर्तृत्वाभिमान अभी लगा हुआ है कि मैं कुछ नहीं करता, तब तक के निकम्मापन भी कर्म ही है। इसीलिए अपने जीवन के किसी भी क्षण को निकम्मा न नष्ट करे। यदि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं काम है, तो कम से कम भगवान का नाम स्मरण करते रहे। एक बूढ़े महात्मा जी थे, अभी वो नहीं है, वो उस समय कोई 98 के थे, पूना की बात है, और उनको हमने पिछले 30 साल से देखा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में थे, रिटायर हो गए थे, बड़े डायरेक्टर डायरेक्टर थे, और उसके बाद जब भी हम उनके घर में जाते थे इतना प्रसन्न मुद्रा उनकी, और चेहरे पर एकदम तेज, और खाना खाते थे तब टेबल पर आते थे, और फिर अपने कमरे में जाके ऐसी उनकी चेयर थी, चेयर पर बैठते थे, और हाथ में माला, और जो अपने काननगढ़ के पापा जो थे, पापा माने स्वामी रामदास, तो उनको पापा कहते थे, उनके जो डिवोटीज थे उनके वो शिष्य थे, उनसे उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली थी, और वो अखंड श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, उनका जब अखंड चलता था। रिटायर होने के बाद अगले 38 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान का नाम एक क्षण नहीं छोड़ा। उससे उनके घर के किसी को उनके से उनसे परेशानी नहीं होती थी, नहीं तो मेरे लिए ये ला, मेरे लिए कौन आया, किस क्या, उसकी शादी क्या हुआ, किसका लड़का ढूंढा, काहे को कचरा करना, अपने शादी करके क्या मिला, दूसरे की शादी में फंसे हुए हो। और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कर्म का तो त्याग कर दिया था, जागतिक भौतिक सांसारिक कर्मों का, लेकिन अपने मन को प्रभु में लगा दिया था। इसीलिए हम सबको ये बात समझनी चाहिए, यदि हमको भगवान ने किसी भी प्रकार के कर्म करने के, हलचल करने के लिए मना कर दिया है, कई बार व्यक्ति को भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं, किसी के हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं कि चलना दौड़ना नहीं होता,
किसी की पीठ जो है ऐसी हो जाती है कि ऐसी रखो तो ऐसी रहेगी, ऐसी रखो तो ऐसी रहेगी, बेंड नहीं होगी। तो जो जो हमारे जीवन में शारीरिक समस्याएं आती है जिसके द्वारा हमको कर्म से उपरत होना आवश्यक हो जाता है, तब समझ लेना भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है कि अपने प्रत्येक सांस के साथ प्रभु के नाम को जोड़ो बाबा, फिर जाकर के हम निकम्मे नहीं होंगे। हम लोग सबसे ज्यादा मालूम है किससे बात करते हैं? अपने आप से। सोचो, अपने आप देखो, नॉन स्टॉप। और किससे बात कर रहे हैं? हम ही एक रोल ले लेते हैं। मेरी सास जब ऐसी कहेगी तो मैं ऐसे कहूंगी उसको, उसने कहा फिर मैं उसको ऐसे कहूंगी, और सास भी वही नहीं है और बहू भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर में एक गुचर 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 हो रहा है। अरे भैया, इस मन को रोकने का प्रयत्न मत करो, इस मन को भगवान के नाम का एक चस्का लगा लो। एक बार एक कैंप में हम बच्चों को एक कहानी बताई थी। एक गांव था पहाड़ों में, सभी लोग वहां के प्रसन्न थे, सुखी थे, और ऐसा कुछ हुआ एक साल दो साल अकाल हो गया तो सब जगह में दुर्भिक्ष आ गया, खाने के लिए भी कुछ सामान नहीं, और वहां के गांव के लोग बाहर नहीं गए थे। तो उस गांव में एक ज्ञानी थे, पंडित जी थे, भगवान की पूजा पोथी करते थे, सभी उनके पास पहुंचे और कहा कि भगवान क्या करें, हमको कुछ नहीं हो रहा है, अब ऐसा अकाल पड़ेगा तो कैसा होगा, हम तो कुछ जानते भी नहीं, आप तो ज्ञानी है, कुछ करो। बोले ठीक है, उस पहाड़ के पीछे एक महात्मा जी है, मैं उनके दर्शन करके आता हूं। और उन्होंने निकले, वहां गए, महात्मा जी को बताया, बोले ठीक है मैं तुमको मंत्र देता हूं, उससे जाकर के तुम्हारा सब भला हो जाएगा। तो वो मंत्र लेकर के आए, दूसरे दिन नहा धो करके मंत्र का उन्होंने जागरण किया और हाथ में पानी लेकर के उस मंत्र शक्ति को पानी में फूका, फू करके, और फिर उस पानी को जमीन में पटका, तो वहां से एक जीनी तैयार हो गया। और वो कहता अब मुझे बताओ क्या काम करूं, और यदि मुझे आप काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, सबके घर में एक एक किलो चावल पहुंचा दो। एक क्षण के अंदर में कंप्यूटर पर जैसा होता है ना, आपके पास समझो 1000 मेल है, एक मेल लिखी है आपने और 1000 लोगों को भेजनी है, तो एक बार सेंड, एक कमांड काफी है, सब जगह एक क्षण में पहुंच जाती है। उसी प्रकार से उस जीनी ने सबके घरों में एक क्षण में पहुंचा दिया सब सामान, फिर आ गया, मुझे बताओ क्या काम करना है, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अरे राम, फिर उन्होंने कहा ठीक है, इतनी बड़ी लिस्ट बना दी, ये सब की सब लिस्ट हर एक के घर में पहुंचनी चाहिए, और उनको अब हमने इनको खूब बिजी रखा है। 2 क्षण में फिर वो आ गया, हमारा सब काम हो गया, अब बताओ क्या करूं, नहीं तो मैं आपको खाऊंगा। अब परेशानी, और उन्होंने कहा ठीक है तुम खड़े रहो, मैं अभी कमरे के अंदर से आता हूं। अंदर गए, पीछे के दरवाजे से भाग गए उसी महात्मा के पास। ये तो हमको खा रहा है, आपने शक्ति तो बहुत दे दी है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने की हमें क्षमता नहीं है, भगवान महाराज महात्मा जी कुछ करिए। तो महात्मा जी ने फिर उनको कुछ उपदेश दिया और फिर वापस आया। जब वापस आया, अब ये पंडित जी बड़े शेर के जैसे आए, 6 मच्छर ही लेकिन आए शेर के जैसे। और आने के बाद उन्होंने कहा इधर आ जाओ, और कहा कि यहां से उन्होंने पत्थर लिया, फेंक दिया, बोले जहां पत्थर गिरा है वहां एक खंभा गाड़ो। कितना बड़ा खंभा? बोले 60 फीट ऊंचे, 40 फीट नीचे। बोले ठीक, एक होना चाहिए, हो गया। फिर उसके अगल बगल में 20 किलोमीटर का रेडियस लेकर के एक बहुत बड़ा दीवाल बनाओ ईंट का, पत्थरों का, और उसका उन्हें डायमेंशन दे दिया, ये सब करो, और वो सब करने के बाद मेरे पास आ जाओ। वो गए, 2 मिनट के अंदर सब कुछ तैयार, और फिर आ गया, अब मैं क्या करूं, अब करना क्या है, वो जो खंभा गाड़ा है ना उसके ऊपर चढ़ो, और जब खंभा खत्म हो जाएगा तो नीचे आ जाओ, और जब पैर जमीन को लगे फिर ऊपर चढ़ो। इस प्रकार से उसको बिजी रख दिया। अब वो परेशान नहीं करता, उसी प्रकार से महात्मा जी हमको अपने ये मन के शक्ति को एक खंभे के साथ गाड़ करके, जब तक कुछ काम नहीं है तो भगवान का नाम लो,
और काम आ गया भगवान का नाम बंद कर दो, कर लगो अपने काम में, जहां काम खत्म हो गया फिर ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। एक क्षण भी अपने मन को भगवान के नाम से उपरत नहीं करना है, तब हम बिना कर्म करते हुए भी निकम्मे नहीं होंगे। भगवान को सबसे ज्यादा नफरत यदि किसी बात से है तो इस निकम्मेपन की। इसीलिए कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में आनंद को बिखेर डालो और जीवन में निकम्मा ना रहे, क्योंकि भगवान ने जो हमको अनंत शक्ति दी है मनस तत्व की, उसका प्रयोग परमात्मा को पहचानने के लिए। तो अकर्मणिज कर्म यहां सहा बुद्धिमान मनुष्येषु, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। बुद्धिमान किसको कहते हैं? हम सबके पास अनंत शक्ति है और हम सबके पास शांत समय है। शांत माने लिमिटेड। वी ऑल हैव इनफाइनाइट एनर्जी एंड फाइनाइट टाइम एट अवर डिस्पोजल। हर एक के पास गणित वही है। अब सवाल यह है कि हाउ वी यूटिलाइज दिस इनफाइनाइट एनर्जी इन अ फाइनाइट टाइम। ये जो अनंत शक्ति हमको परमात्मा ने दी है, इसका हम दिए गए समय में किस प्रकार से योग्य विनियोग कर सकते हैं, ये जिसने किया वो हो गया महात्मा, ये जिसने नहीं किया वो हो गया मोटा आत्मा। महात्मा ने अब देखो, किसी भी साधु संतों के जीवन ले लो, जैसे अपने स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ले लो, उन्होंने जितना कार्य किया इतनी छोटी उम्र में, उनके कार्य को केवल पढ़ो तो भी अपनी जीवन बीत जाएगा। तो उन्होंने इतना कार्य कैसा किया? क्या उनके समय एक दिन के 40 घंटे होते थे? नहीं, उस समय अच्छा था, बिफोर इंडिपेंडेंस यू नो द डे यूज टू बी 40 आवर्स ए डे, और आजकल 24 ही घंटे, पता नहीं हर जगह कटौती आ गई। ऐसा था क्या उस समय कि एक हफ्ते के 15 दिन होते थे और अभी 7 ही दिन देने मुश्किल से मिलते हैं? नहीं, समय वही था, परिस्थिति वही थी, सिर्फ बदल एक था कि उन्होंने अपने इस अनंत शक्ति को दिए गए समय में योग्य विनियोग किया। इसी को जो जानता है वही मनुष्येषु बुद्धिमान, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। एक आदमी के दो लड़के थे, अब वो पढ़े लिखे ठीक ठाक हो गया और अब ये निश्चय करना था कि किसके हाथ सब सौंप करके चले जाए, तो जिसको बुद्धि है उसी को देना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमको दोनों को एक एक रुपया देता हूं और चले जाओ मार्केट में और वहां से ऐसी कोई चीज ले आना कि जिसके द्वारा पूरा कमरा भर जाए। तो दोनों गए लड़के और जाकर के एक ने सोचा क्या ले आए क्या ले आए, फिर उसने एक रुपए का घास ले आए और पूरे कमरे में भर दिया और दूसरा खाली हाथ आया और उसके हाथ में तो कुछ था नहीं। तो पिताजी, तुमने कुछ लाया? मैं लाया हूं। बोले दिखाओ। बोले हम आपको कमरा भर के दिखाएंगे, सामान से क्या मतलब है आपको। फिर दूसरा कमरा लिया, बोले इसको भर के दो। बोले इसको भर के दो। उन्होंने अपने जेब से माचिस निकाली और माचिस जला दी और पूरा का पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। देखो, भरना है। अब हमारी बुद्धि यदि स्थूल है, पत्थर वाली है, तो हम सोचेंगे पत्थर से ही कमरे भरे जा सकते हैं, और हमारी बुद्धि यदि सूक्ष्म है तो इसी कमरे का अंधेरा हम प्रकाश के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से बुद्धिमत्ता जिसमें होती है उनकी बुद्धि सूक्ष्म तत्व की तरफ सहज चलती है। तो सब बुद्धिमान मनुष्येषु, हमको अपने जीवन को सुधारने के लिए भगवान ने ये मौका दिया है महाराज। हमको सबको यहां आने का एक ही प्रयोजन है,
जैसे हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजते किस लिए, पढ़ के कुछ सीखे, उसी प्रकार से हमको सबको भगवान ने यहां भेजा है, हम अपने जीवन के अनुभूतियों से अनुभवों से कुछ सीखे। जो आदमी जितना अपने प्रत्येक अनुभव से सीखता है उतना वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। और सबसे बुद्धिमान कौन है ज्यादा, जो दूसरे के अनुभव से भी सीख लेता है। उदाहरण दीजिए, शादी करके किसी को सुख नहीं मिला, ये महात्मा लोग सीख लेते हैं और इसीलिए बिना शादी करके सुखी रहते हैं। उसके लिए शादी करके दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शराब पीने से आदमी बर्बाद होता है तो पी करके सीखने की जरूरत नहीं है। अनेक गिनी पिग्स इस दुनिया में जिन्होंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप जाकर के अपने पेंसिल निकालो, डाटा कलेक्ट करो, इसका सत्यानाश हो गया, इसीलिए अपन को पीने की जरूरत नहीं। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, जिसने अपने जीवन से सीखा है, दूसरे के जीवन से सीखा है, सहा बुद्धिमान मनुष्येषु। और सयुक्त वही युक्त पुरुष है। युक्त माने क्या, जैसे हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, जिसको भक्ति होती है वो भक्त, जिसको युक्ति होती है वो युक्त। युक्ति का युक्ता मत करना, मालूम है ना, युक्तामुखी वो मत करना। हम युक्ति की बात कर रहे, युक्ता की बात नहीं कर रहे। तो जिसके हृदय में ये युक्ति है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रभु को अभिव्यक्त होने का मौका दे, किस प्रकार से प्रत्येक क्षण भगवान के नाम में लगा दे, किस प्रकार से अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे, ये जिसने समझ लिया, जान लिया, जीवन में उतारा है, वही युक्त पुरुष है। सयुक्ता और सकृष्ण कर्मकृत, उसी ने अपने जीवन में जो कुछ करना चाहिए था मनुष्य के रूप में अवतरित होने के बाद, वो उसने सब कुछ कर लिया है। देखो, जो तिर्यक मनुष्य से निम्न योनियां होती है और जो देवता मनुष्य से ऊपर की जो योनियां होती है, इन दोनों को कहते हैं भोग योनियां। और मनुष्य की जो योनि है इसी में हमको कर्म करने का स्वातंत्र है। तो हमको ये कर्म करने का स्वातंत्र वाली मनुष्य की योनि मिली और यहां आकर के हमने इस कर्म के माध्यम से अपना भला नहीं कर लिया तो हमने तो अपने जीवन के अच्छे मौके को खो दिया है। इसीलिए सहा कृष्ण कर्मकृत, उसने कर्म के सिद्धांत को जाना और अपने जीवन को कृतकृत्य बना दिया है। इस प्रकार से यह जो 18वां श्लोक है, इस चौथे अध्याय की आत्मा है, प्राण है। कर्मणि अकर्म यहां पश्येत, अकर्मणि च कर्म यहां। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता सकृष्ण कर्मकृत। अब ये किस प्रकार से करें ये बताने के लिए अब अगले श्लोक में लेते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। हम आपको एक सीक्रेट बताएं क्या, सिगरेट नहीं, सीक्रेट। जीवन में सुखी रहना है ना तो कभी लीडर मत बनना, किसी का हेड मत बनना, टेल बनकर रह ले। अब जैसे देखो, अपने इस प्रेमपुरी आश्रम की बात देखो, अपनी वो जो लिफ्ट आती है ना ऊपर, उसमें जो महात्मा बैठ करके लिफ्ट को ऊपर नीचे लेते हैं, उनमें जितना आनंद है, मस्त रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कोई चक्कर ही नहीं। ऊपर जाओ कृष्णा गोविंदा नारायणा पांडव, नहीं जाओ कृष्णा आ गए, मस्त चल रहा है जीवन। और हमको ये करना है, वह करना है, इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, लेटर लिखो, फोन लिखो, पैसा इकट्ठा करो, क्या 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 क्या। देखो, सबसे बढ़िया तरीका है किसी के हेड मत बनो, टेल बनो, पीछे पीछे रहो, आगे मत जाओ।
अपने आप जीवन चलता रहेगा। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं कि जो कभी भी डिसीजन नहीं लेते। देखो, भगवान ने अर्जुन को इतना उपदेश किया, उपदेश करने के बाद डिसीजन नहीं लिया उन्होंने उनको बताया कि देख अर्जुन, जो भी कुछ बताना था मैंने बता दिया तुमको, यथेच्छसि तथा करो। अब तुम अपना डिसीजन लो कि तुमको युद्ध करना है कि नहीं करना है, मैं तो केवल ड्राइवर हूं। देखो, जिस व्यक्ति ने इस तत्व को संभाल लिया है, समझ लिया है, वो अपने जीवन को ऐसा मस्त गुजारेगा और जितनी लीडरशिप कम होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कम होगी उतना वो मस्त होगा। सुखी रहने का एक तरीका है, बी इरिस्पॉन्सिबल एंड यू आर हैप्पी। देखो, ये बात जहां भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी के सभी समारंभ माने अंडरटेकिंग्स, जो जो हमको कार्य करने हैं वो कैसे है, काम संकल्प वर्जिता, हमको ये प्राप्त करना है, इसलिए करना है, इस प्रकार से करना है, तो क्या प्राप्त करना है हो गया काम, और किस प्रकार से करना हो गया संकल्प। काम और संकल्प वर्जिता, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने अपने हृदय के कर्म अज्ञान को ज्ञान के अग्नि के द्वारा जला दिया है। ज्ञान के अग्नि के द्वारा जला देना माने क्या, एक और आपको बढ़िया उदाहरण लेते हैं। एक अम्मा है हमारी, और उसकी लड़की हमको कंप्लेन करती है, स्वामी जी आप मेरी माँ को कुछ समझाओ। मैं, क्या हो गया, बोले उसको मेरे शादी की फिक्र ही नहीं, मैं उसको बताती हूँ कि मम्मी अब यू बी रिस्पॉन्सिबल, अब मेरे शादी के बारे में कुछ सोचो। तो वो कहती है, बेटा मैंने सब सोच लिया है, मैंने शादी करके कुछ नहीं पाया, तू भी शादी मत कर, भगवान का नाम ले। तो उस बच्ची की ये कंप्लेन है कि माँ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही नहीं। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जब तक हमारे हृदय में ये बात बनी हुई है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके द्वारा ऐसा होगा, उसके द्वारा वैसा होगा, किसी के द्वारा कुछ होता नहीं है, ये दुनिया जैसी थी हम आने के पहले और हम आने के बाद और हम जाने के बाद ऐसी की ऐसी रहेगी। इसके बारे में आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा, प्रश्नोत्तरी चल रही थी, स्वामी जी भगवान का अवतार कब होगा। तो हमने कहा मुझे मालूम नहीं, अभी फोन नहीं आया, बता दूंगा आने के बाद। बोले इतना बुरा समय कभी नहीं था, पहले जमाना ऐसा नहीं था, आज का जमाना इतना बुरा है कि इस समय तो भगवान को आना ही चाहिए। हमने कहा देखो, पहले इसका विश्लेषण करें, पहले के जमाने में आप थे क्या, बोले नहीं। अगले जमाने में आप रहेंगे क्या, बोले नहीं। इस जमाने में आप हो क्या, बोले हाँ। अब समझा ये जमाना बुरा क्यों है। देखो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, सबकी सब बुराई प्रभु अपने ही हृदय में बैठी है, बाहर कहीं नहीं है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ये समझ लिया है कि ये कर्म 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 कब तक इसके चक्कर में पड़े रहेंगे। कर्म के द्वारा आनंद की प्राप्ति करोगे तो आपको गारंटी देते हैं कि दुख मिलेगा, और यदि कर्म के माध्यम से आनंद की अभिव्यक्ति करोगे तो गारंटी देते हैं भगवान भी आपको दुखी नहीं बना सकता। वी हैव टू ओनली चेंज अवर एटीट्यूड। हम कर्म के द्वारा आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं कि कर्म के माध्यम से आनंद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। दो में से हमको चॉइस भगवान ने दिया है, यथेच्छसि तथा कुरु। इसलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाहा, उसको बुध ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये है समझदार। पंडित का तात्पर्य है अपना रोटी बनाने वाला नहीं, पंडा माने सद असद विवेचनी बुद्धि जिसको होती है उसको कहते हैं पंडा।
पंडितम माने जिस व्यक्ति ने सत असत का विवेक कर लिया है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है। और जीवन के चलाने का ओनली तात्पर्य यही है कि हमको इसी जन्म में ऐसा होना है कि हमारे माध्यम से भगवान अभिव्यक्त होने लगे। देखो, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें, चलो छुट्टी हो गई। हर महात्मा आकर के यही कहते, देखो इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हेडेक हो गया जरूर, मेडिटेशन को बैठे तो हेडेक होता है, भगवान का नाम लेते तो नींद आती है। तो आपने बताया भगवान का प्राप्त नहीं करना, बिल्कुल मत प्राप्त करो भगवान को। एक तो छुट्टी हो गई, अब दूसरा और सिंपल टेक्निक, भगवान इस दुनिया में भटक रहे हैं, भाई मुझे अभिव्यक्त होने के लिए थोड़े समय के लिए मकान चाहिए, थोड़े समय के लिए, और वो मकान उनको नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं यहां से वहां, वहां से वहां। यदि हम अपने आप को इसमें से निकाल डालें तो फिर हमारे ही माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लगेगी। तो अपने साधना का रंग कैसा हो, हमारे साधना का रंग ऐसा हो कि हमारे माध्यम से प्रभु को अभिव्यक्त होने के लिए मौका मिले। और भगवान कब हमारे अभिव्यक्त होंगे हमारे माध्यम से, जब हमारे यहां कुछ खाली जगह होगी तब ना। अपने यहां काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य ईर्ष्या फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन डिजेक्शन दुनिया भर का कचरा भरा हुआ, उसके ऊपर में हम बैठे हुए, ये सब का सब निकाल डाले कि जो धारी राय भगवान सो मारी राय। जितना हमने भगवान की हा में हा मिलाना सीखा उतना भगवान हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। हमको इस जगत में कुछ नहीं करना, ये भी आपको दूसरा सिद्धांत बता रहे। ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना कि मनुष्य जन्म का प्रयोजन प्रयोजन कुछ नहीं है, प्रयोजन भगवान का होता है। अपने को खाली बैठना है, ऐसा खाली हो जाना है कि भगवान उसमें आके बैठ ले। इसीलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाह, तो सत्पुरुष लोग ज्ञानी लोग उसी को समझदार कहते हैं कि जिसने अपने समझदारी के साथ कर्म में रहते हुए भी कर्म के बंधन से अपने को छुड़वा लिया है और फिर उन्हीं के कर्म के माध्यम से भगवान की पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। जिसको कहते हैं ना सत्य संकल्प, साधु संत सत्य संकल्प होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प को सत्य के साथ जोड़ा है और हमारे संकल्प काम के साथ जुड़ते हैं। हमारे काम संकल्प है वो सत्य संकल्प है। कामना हमेशा परिच्छिन्न वस्तु की होती है और परिच्छिन्न वस्तु की कल्पना या संकल्प हमेशा परिच्छिन्न ही रहेंगे, उससे परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, तो यह जो ज्ञान की जो अग्नि है यह इस अज्ञान के गंदगी को जला डालती है। अज्ञान की गंदगी तीन प्रकार से होती है। एक तो हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इसीलिए अपने आप को परिच्छिन्न छोटा समझ लिया। जो व्यक्ति अपने आप को हीन दीन समझता है उसको भगवान कुछ नहीं कर सकते। फिर वो क्या करता है, हमेशा भीख मांगते रहेगा इस दुनिया में। अपने हीनता को स्वीकार करना माने भगवान के ऐश्वर्य का तिरस्कार करना है। हम हीन दीन नहीं है। जैसे समझो कोई एक अमीर बाप का बेटा हो और वो बहुत घटिया जीवन जी रहा हो, किसी की जेब काट लेता है, रास्ते में जाकर किसी से पैसे मांग लेता है, तो उस बाप को कितना दुख होता होगा। उसी प्रकार से हम उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा की संतान और इस जगत में हमेशा भीख मांगते रहते हैं। इसीलिए हम जब अपने आप को पहचानते नहीं है कि हमारा मूल दारिद्र्य नहीं है, हमारा मूल तो परब्रह्म परमात्मा है,
ये नहीं जानते, इसी के कारण मन में अब इच्छाएं निर्माण हो गई। तो अज्ञान के प्रभाव का पहला स्वरूप है अंतकरण में कामना की प्राप्ति हो गई, कामना पैदा होने लगी। अविद्या, उसके बाद आ जाती है काम, और काम के बाद आ जाता है कर्म, और कर्म के बाद आ जाता है संकल्प। इस प्रकार से पूरी की पूरी लाइन की लाइन अपने हृदय में बनी रहेगी। इसीलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि हम में किसी भी चीज की कमी नहीं है, हमको मृत्यु का डर नहीं है, हमको कुछ लाभ हानि हो ही नहीं सकती, ये जितनी हमारी निष्ठा तगड़ी होगी उतना हमारे जीवन में कर्म का प्रभाव अपने आप कम होता रहेगा। तो जगत का चिंतन छोड़ देना है तो उसके चक्कर में ना पड़े, भगवान का चिंतन शुरू कर दे। कर्म के बंधन से छूटना है तो कर्म का, और इसका सौंदर्य अब 20वें श्लोक में बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ऐसा व्यक्ति सभी के सभी कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी एक भी कर्म नहीं करता। कर्मणि अभी प्रवृत्ता अपि सहा न एव किंचित करोति। वो हम लोगों के दृष्टि से ऐसे लगेगा कि कितना बिजी रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जीवन ले लो, उनके जैसे बिजी व्यक्तिमत्व किसी का नहीं था, लेकिन उनको पूछो तो उनके पास आराम करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए कभी टाइम की कमी नहीं थी। आप देखेंगे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वही गुंडागर्दी करते हैं, और जो अपना एक एक 25 बार लिख के निकालो, याद नहीं रहता, उनको गुंडागर्दी करने का टाइम कहां है। और जो स्मार्ट, एक बार पढ़ लिया सब समझ में आ गया, फिर क्या करो, खुराफात करो। तो जिस व्यक्ति में यह सौंदर्य है कि उसने अपने जीवन में कर्म का सब सिद्धांत समझ लिया है, और उसके बाद किसी भी प्रकार के कर्म में हमारे दृष्टि से वो लगा हुआ है, लेकिन उसके दृष्टि से देखो तो उसमें किसी भी प्रकार के कर्तृत्वाभिमान का अभाव है और कर्मफल की अपेक्षा नहीं है। ये बात पहले लाइन में बताते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। जो व्यक्ति कर्मफल के साथ आसक्ति का त्याग कर देता है, कर्मफल के साथ आसक्ति का त्याग कहा है, कर्मफल का त्याग नहीं हो सकता। कैसे? कर्मफल के साथ आसक्ति क्या होती है? आसक्ति यूं होती है कि जो भी कर्म हम करते हैं और उसका जो कर्मफल है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक नक्शा बना के रखते हैं। जैसे हम लोग ये नक्शा बनाकर जो चलते हैं ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक उदाहरण से समझ लो। हम सबके मन में एक ऐसी कुछ कल्पना हो गई है, बाबा जी माने एक विचित्र स्पेसिमेन, उनकी दाढ़ी बीड़ी बड़ी होनी चाहिए और वो हमेशा आंखें उल्टी चल रहे हैं, क्या ऐसे ही होता है बाबा जी? उसके बाद कपड़े उधर उधर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, और किसी दूसरे महात्मा के पास चले जाओ और वो हमारे ही जैसे हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सब करते। आई थिंक ये टिक मार्क में दाढ़ी लंबी कम है, काटो। हंसते हैं, महात्मा होकर के हंसते हैं, संभव ही नहीं। महात्मा तो कैसे होने जाए, गंभीर, उनके सामने आकर के पत्थर भी रोने लगे, इतने गंभीर हो। तो हमने अपने मन में एक एक चीज की कल्पना बना के रखी है और उस कल्पना को लेकर के हम फिर निकलते हैं दुनिया को देखने के लिए, और महात्माओं की कल्पना करके रखी, टिक मार किया, कितने पॉइंट्स आए, ये महात्मा हो नहीं सकता, दूसरे को बुलाओ। इस प्रकार से हम लोग गुरु शॉपिंग करने निकलते हैं। यहां भगवान बताते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम,
हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसका कर्म फल अमुक अमुक आना ही चाहिए, ये दुराग्रह हमको बंधन में डालता है। कर्म करो, कर्म का फल निश्चित आएगा, लेकिन ऐसा ही हमको कर्म फल मिलना चाहिए, ये दुराग्रह हमको दुखी करता है। और इस दुराग्रह के कारण क्या होता है, देखो कर्म फल में जब आसक्ति होती है तो कर्म फल हमको हमेशा भविष्य काल में मिलता है, हमको कर्म फल वर्तमान काल में कभी नहीं मिलता। तो जब हमको अपने कर्म का फल भविष्य काल में मिलने वाला है और यदि हमारा मन नित्य निरंतर उस भविष्य काल में मिलने वाले कर्म फल की ही चिंता करेगा तो वो वर्तमान काल में कर्म करने में अपने आप को नहीं लगा सकता। उसके द्वारा होगा क्या, उसके द्वारा ये होगा कि वर्तमान में कर्म करते समय वो अपने आप को पूरी तरह से उस कर्म में नहीं लगा पाएगा। और जब वो अपने आप को पूरी तरह से कर्म में नहीं लगा पाएगा तो उसका कर्म फल भी उतने ही प्रकार का घटिया होगा। इसीलिए कर्म फल के आसक्ति का त्याग का तात्पर्य है कि यदि हम कर्म करते समय वर्तमान में रहने का अपने आप को अभ्यास दे। आज हम सुबह में अपने भागवत कथा में ये बात आई कि जैसे हम सब लोग यहां आते, इसलिए आते सत्संग के लिए, साधना करने के लिए, तो ये जो एक डेढ़ घंटे का समय है ये तो हम समय इसी कार्य के लिए लगाने के लिए आए ना, हमको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है, तो यहां इस कार्य के लिए आए तो इस कार्य को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज में अपने मन को न जाने दे। या एक बार आके बैठे, एक आसन में बैठो, समझो आप एक महीने में 8 दिन सत्संग को आते हो और यदि 8 दिन का ही अभ्यास करो, एक बार एक आसन में बैठे, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, देखो अपने आप आसन सिद्धि का अभ्यास होने लग गया। दूसरे बार अपने को एकाग्र करना है तो अभी किसी भी इधर उधर देखना नहीं, कौन आया कौन गया, क्यों आया किस लिए आया, लेट क्यों हो गया, अपन को क्या धंधा करना है। एक बहुत बड़े महात्मा थे हमारे वृंदावन के, उनके जो शिष्य थे वो उनको एक बार बोलने लग गए कि महात्मा जी, हम उस भागवत कथाकार के यहां जब कथा के लिए जाते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं अच्छा लगता, उन्होंने अपने घर को ऐसा सजा के रखा है कि मानो वो अपने ऐश्वर्य को लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो उस महात्मा ने कहा, भाई मैं भी तो रोज तुम्हारे साथ वहां जाता हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, हमारा ध्यान कहां है, हम आए हैं कथा सुनने के लिए कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने घर को सजा के रखा है, उसके लिए थोड़ी आए। उसी प्रकार से यहां जो हम आए हैं तो एक ही प्रयोजन लेके आए हैं कि यहां हमको सत्संग के सिवा बाकी किसी में अपने मन को नहीं लगाना, नहीं माने कसम खा के नहीं लगाना। एक ही बार हमको इधर कौन आया उधर कौन आया किस लिए आया, नथिंग इज इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट टू नो द ट्रूथ। एक बार ये हृदय में बात बैठ जाती है ना तब देखो कैसा मन एकाग्र हो जाता है। और ये हम सबका स्वभाव हमने बनाया है। कोई आया कोई, अच्छा थैंक यू, दूसरा आया आप भी आ गए थैंक यू, माने लोगों का आना जाना वो महत्व का है और सत्संग के जो तत्व का चिंतन है वो महत्व का नहीं है। इसलिए यहां जो पहला सिद्धांत बताते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, हमको नित्य निरंतर वर्तमान में ही रहना है और किसी भी कारण से इधर उधर हमारे मन को नहीं जाने देना, माने नहीं जाने देना। एक बार हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, हमारा आनंद मंगल का फैमिली कैंप होता है, अभी होने वाला है लोनावला में, तो उस कैंप में ऐसे नहीं कि केवल बड़े बड़े आए, उस कैंप का नियम यह है कि सभी के सभी आ जाए, पूरी फैमिली, बच्चे बाल बच्चे बाल बाल बचे और फिर भी बचे, ये जो 4 प्रकार के लोग हैं वो उस कैंप में आ सकते हैं।
तो वहां आने के बाद हम वहां हर बार एक नई चीज का सिद्धांत जीवन में उतारने का प्रयत्न करते। एक बार ये सिद्धांत था कि हमको डिस्टर्ब नहीं होना, ये सिद्धांत। तो जैसे आप सब लोग बैठे बैठे, उनके बच्चे भी वही खेलेंगे और बच्चे खेलेंगे भी, इधर दौड़ेंगे भी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना। और विषय भी हमने लिया था उस समय दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, और बच्चे इधर से जाते हैं उधर से जाते हैं और हम शांत बैठे हैं तो बाकी को डिस्टर्ब होता भी, स्वामी कृष्ण कैसे यही तो बताए डिस्टर्ब मत करो, उनको क्या होता है, हमको डिस्टर्ब हो रहा है कुछ कुछ, लेकिन शांत बैठे करे क्या। और मानो हमारी परीक्षा लेनी थी भगवान को, तो उसमें से एक बच्चे को भगवान ने स्पॉन्सर किया, वो ऊपर चढ़ के आया। आने के बाद हमको कहते स्वामी जी हम आपकी गोद में बैठ करके देखना चाहते कैसा दिखता है, आके बैठ, आके बैठे। हमने कहा देखो बोलना मत, बोलना मुझे ही है। बोले ठीक है स्वामी जी, मुझे बोलना नहीं आता, बहुत बढ़िया बात। और उसके बाद वो वहां बैठा रहा और पूरा लेक्चर वैसा चलता रहा। और सब कुछ होने के बाद हमने कहा देखो अब मेरे जो ये है पैर सो गए हैं, अब तुम इतने मोटे हो उठ जाओ, अब मुझे भी उठना है। बोले स्वामी जी यहां बैठ करके बड़ा अच्छा आनंद आया, मैं रोज यहीं बैठूं, अब मुझे बताओ। यदि हमने ये सिद्धांत हृदय में उतार लिया है हमको डिस्टर्ब नहीं होना, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हमने ही थोड़ी इधर उधर कुछ बात हो गई तो फटाफट से हमारा मन भाग जाता है। इसका कारण यह है कि हमने अपने मन को हमेशा वर्तमान से छोड़ करके भटकने की आदत डाली है। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, दूसरी बात, हमारा मन क्यों भटकता है, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो जो नित्य तृप्त है सबसे ज्यादा अमीरी होती है इस संतुष्टि में, तृप्ति में। और तृप्ति कब आती है कि जब व्यक्ति में ये भाव जागृत हो जाता है हमको जितनी आवश्यकता है वो प्रभु हमको निश्चित देंगे। भगवान के शब्द है योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमको भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं है, एलआईसी के शब्दों पर विश्वास है। वो जब कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम् तो हम वहां पैसा भरने के लिए तैयार है। और भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे हजारों रुपए नहीं चाहिए, एक तुलसी का पत्ता, एक चम्मच पानी और प्यार से मेरे नाम को लो भक्त्या। तो हमको जो आवश्यक है वो भगवान हमको निश्चित देंगे, और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो निश्चित खींच भी लेंगे, और इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। एक बार इसको पकड़ के रखो हृदय में तो फिर देखो कितना आनंद आता है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध में उसको जो मिलना है उसको कोई रोक नहीं सकता। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कितनी सरल बात। इसीलिए नित्य तृप्ता, जिसके जीवन में ये तृप्ति की शक्ति जागृत हो गई वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। अन्यथा कितनी जगह हम गए हैं, सबसे बढ़िया आपको देखना है तो आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, ओवर डेवलप्ड नेशन। ओवर डेवलप्ड नेशन माने जैसे कोई ओवर डेवलप्ड पेट होता है वैसे ओवर डेवलप्ड नेशन है, पर अपना हिंदुस्तान क्या है, नेवर डेवलप्ड नेशन, डेवलप हो ही नहीं सकता है। तो वहां चले जाओ आप, सभी प्रकार की लग्जरीज वहां है, एवरी काइंड ऑफ लग्जरी, एंड दे आर लग्जूरियसली मिजरेबल। उनके मिजरी का कोई अंत नहीं। वहां की मिजरी कैसी है देखो, एक व्यक्ति पैदल चलता है उसका दुख होता है कि मेरे पास बाइसिकल नहीं, दूसरा बाइसिकल चलता है उसका दुख होता है मेरे पास मोटरसाइकिल होंडा नहीं है, दूसरा कहते हैं मेरे पास होंडा है लेकिन होंडा कार नहीं है,
दुख पाने के लिए एक ही सिंपल टेक्निक है, अपने आप को हमेशा असंतुष्ट रखो। इतना ही दिया भगवान, जरा और देते तो और मिलेगा, भी हो जाओ संतुष्ट। नित्य तृप्तहा, दूसरी बात, अनित्य वस्तु को प्राप्त करके नित्य तृप्ति नहीं हो सकती, बहुत महत्व की बात है। पांचवें अध्याय में भगवान बताएंगे हमको, वहां कहते हैं नेयस नित्य सन्यासी यो न कांक्षति न शोचति। माने भगवान कहना चाहते हैं अनित्य सन्यासी भी होते हैं। जैसे एक शब्द है ना अपने लोगों में प्रचलित, ये हमारी धर्म पत्नी है, वो अधर्म पत्नी कहां गई? अरे बाबा, पत्नी तो धर्म पत्नी ही होती है, उसके पीछे धर्म लगाने की क्या जरूरत है। उसी प्रकार से यदि हमने अपने आप को संतुष्ट रखा है तो हम दुनिया के सबसे अमीर हैं। और संतुष्ट कब रहेंगे? जब हम वर्तमान में रहेंगे तभी ही संतुष्ट रहेंगे। देखो आज हम आपको वर्तमान में रहकर ही छोड़ेंगे, वर्तमान पत्र पढ़ते जाओ, वर्तमान में रहो, नित्य तृप्त। और अगली बात है निराश्रय, हमारा आश्रय होता है पैसे का, और तृप्ति चाहते हैं विषयों से, और हृदय में बैठे हुए कन्हैयालाल आनंद के सागर, उनके तरफ देखने की हमको फुर्सत नहीं। इसीलिए हमारा आश्रय यदि कोई हो तो नित्य वस्तु, नित्य वस्तु का आश्रय लेंगे तब हम नित्य तृप्त होंगे। यदि अनित्य वस्तु का आश्रय लेंगे तो हमारी तृप्ति अनित्य ही रहेगी। जैसे एक व्यक्ति को बड़ी भूख लगी है, परेशान है, जैसे मुझे हमेशा भूख लगी रहती है, जहां भी किसी के घर हम जाते हैं तो हम डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पर जाके बैठते हैं। हाँ, फिर उनको बताते देखो पहले खाना खिलाओ और बाकी के जो लास्ट राइट्स है वो बाद में कर लेना, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोगों के लास्ट राइट्स होते हैं। उनको चंदन लगाओ, फूल चुरो, माला पहनाओ, फिर आरती दिखाओ। एक जगह हम गए थे किसी के घर में और वो लड़की जरा हाई फाई ब्रांड की थी। बोले स्वामी जी, आई वॉन्ट टू नो व्हाट ऑल दिस नॉनसेंस यू पीपल डू। तो बोले ये दीपक क्यों जलाते हैं ऐसा, इतना सारा लाइट है फिर भी दीपक की क्या जरूरत है। हमने कहा देखो मैं तुमको अकेले को बताता हूं, सबके सामने नहीं बताऊंगा, ले बताओ। मैं देखो पहले जमाने में बिजली नहीं थी और महात्मा लोग पहुंच जाते थे, ऐसा नहीं कि पहले फोन किया कोई उनको रिसीव लेने का, ऐसा कुछ नहीं था, किसी के भी घर में महात्मा पहुंच गए। अब ये महात्मा ही है कि चोर डाकू कैसे पता चले, तो क्या करते थे वो लोग, दीपक रख करके उनकी आरती करते देखते, हाँ चोर नहीं है महात्मा भाई। देखो नित्य तृप्ता निराश्रय, हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो संतुष्टि नित्य रहेगी। और यदि जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति प्रेम जागृत हुआ तो तृप्ति हमेशा अनित्य रहेगी, अनित्य वस्तु से नित्य तृप्ति नहीं मिल सकती। भागवत में एक विचार आता है, जिस अन्न को सुबह पकाने के बाद शाम तक रखो तो वो अन्न सड़ जाता है, ऐसे अन्न के रस से बना हुआ हमारा देह, ये सड़ेगा नहीं तो होगा क्या इसका। और ऐसे इस सड़ने वाले देह को लेकर के हम इस देह के द्वारा नित्य तृप्ति की अपेक्षा करते हैं तो ये एकदम गलत है। एक बार एक बड़े महात्मा ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले अपने देह से कोई भी चीज जो निकलती है वो घृणास्पद होती है। कोई भी चीज देखो अपने देह से जो निकलती है, ऐसी नहीं कि पब्लिक में उसकी चर्चा करें। फिर एक देह से द्वारा केवल एक ही बात ऐसी निकल सकती है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को कृतकृत्य समझ सकते हैं, और वो कौन सी है? सबकी सेवा करना। इस देह के द्वारा की गई सेवा ही ऐसी है कि जो हमको
पवित्रता दे सकती है। बाकी देह के द्वारा छोड़े गए सभी के सभी द्रव्य केवल घृणास्पद होते हैं। इसीलिए निराश्रयः नित्य तृप्तः, हमारे जीवन का आश्रय नित्य वस्तु, हमारे जीवन की तृप्ति नित्य रहेगी। और वो कब होगा कि जब हमने अपने जीवन से ये कर्म फलासंग हमेशा के लिए त्याग दिया है, माने हम नित्य निरंतर वर्तमान में रह करके मस्ती से जो कुछ कर रहे कर रहे। तीन प्रकार के कर्म करने की पद्धति होती है। एक प्रकार की पद्धति है कर्म करते जाओ रोते जाओ, पता नहीं करते भी जाएंगे रोते भी जाएंगे। ऐसे लोग होते खाने वाले, जहां खाना सामने आया क्यों ऐसे बना ऐसा, हमको डटे खाओ मत नवीर। तो एक कर्म करने की पद्धति है कर्म करो रोते जाओ। दूसरी कर्म की पद्धति है कर्म करो ही मत, रिवोल्ट कर दो। और तीसरी कर्म की पद्धति है कर्म करो और प्यार से करो। तो कर्म रिवोल्ट करके कब तक छोड़ोगे? तो बाहर से तो बढ़िया बढ़िया दिखाएंगे लेकिन अंदर में रिवोल्ट हो रहा है। तो ऐसा जो छिन्न भिन्न व्यक्तित्व है वही दुखी होता है। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि। और ऐसा व्यक्ति जब किसी भी प्रकार के कर्म में नित्य निरंतर लगता है फिर भी उसके द्वारा कोई भी कर्म नहीं होते, माने वो किसी कर्म का कर्ता नहीं होता, माने वो परमात्मा के साथ एक हो गया, माने दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या, मेडिटेशन स्विच ऑन डिस्टर्ब नॉट, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। देखो सबसे बढ़िया मेडिटेशन का आपको देखना है ना स्वरूप, तो हमारे कन्हैयालाल के जीवन को देखो। एक भी क्षण उनके जीवन में आनंद के सिवा किसी चीज की अभिव्यक्ति हुई ही नहीं, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। नहीं तो भगवान का नाम भी लेते जाओ और दुखी भी होते जाओ, पता नहीं मेरी बहू मानते नहीं, मैं सास मानती हूँ, राम राम राम। ऑन द कॉन्ट्री अपने ये जो बच्चे लोग है ये लगा देते बढ़िया सिनेमा का गाना और मस्त रहते, दे आर फार बेटर देन वी ऑल द टाइम क्राइंग ओल्डीज। इसीलिए कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, उसके जीवन में कर्म का दुर्गंध कभी नहीं आएगा। आगे बताते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। तो यह जो यतचित्तात्मा है, यतचित्तात्मा माने जिसका अपने मन पर पूर्ण प्रकार से नियंत्रण है, ऐसा जो अपने मन को नियंत्रित रखने वाला है यथचित्तात्मा निराश ही। निराशी माने निराश है, इसका अर्थ ऐसा ये नहीं है, आशा होती है भविष्य में अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को लेकर के, कर्म फल की आशा हमेशा भविष्य की होती है। निराशी माने जिसके जीवन में भविष्य की चिंता का लवलेश नहीं है। आज मुझे किसी ने बताया, बोले स्वामी जी आप तो आज सुबह बता रहे थे भैया चिंता मत करो छोड़ो कुछ नहीं होता, आप तो लेक्चर करके निकल गए। बोले बाद में मालूम है क्या हो गया, आप तो चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और एक वो अम्मा मेरे पास आई और बोली आप हमेशा स्वामी जी के साथ जाती हो ना? बोले हाँ जाती। उनको क्या होता है कहने के लिए चिंता मत करो, फिर करें क्या हम? देखो आदमी को चिंता मत करो इसकी चिंता होती भी उसके बाद करेंगे क्या, क्योंकि लाइफ भर में एक ही एक्सपर्टाइज है, हमेशा चिंता करते रहो। देखो चिंता करने से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। इसलिए निराश ही, जितनी हमने भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया है उतना हम मस्त रहेंगे। और आप देखो कितनी भी चिंता करो,
किसी भी चिंता से किसी को लाभ नहीं होता, होती है तो हानि ही होती है। निराशी यत चित्तात्मा, तीसरी बात त्यक्त सर्व परिग्रह, जितनी ज्यादा वस्तु अपने पास होगी उतना व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है, जितना ज्यादा पैसा अपने पास होगा उतना व्यक्ति दुखी होता है, जितने ज्यादा चेले चपाते अपने पास होंगे उतने बाबा जी दुखी होते हैं। इसीलिए त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी का सभी परिग्रह का त्याग करना माने क्या, ये जरा समझदारी की बात है। सभी वस्तुओं का त्याग करना, परिग्रह का त्याग करने का तात्पर्य ये, इस जगत में ऐसे रहो कि इसको स्वीकार करो कि इस जगत में अपना कुछ नहीं था, ना अपना कुछ है, ना कुछ अपना रहने वाला है। उसका प्रारंभ कहां से करें, अपने ही इस बाटा छाप देह से। ये देह ना तो हमने बनाया है, ना तो हमने देह बनाने के लिए मेहनत करी है, ये किसी और का बनाया है। हम गुंडागर्दी करके घुस बीच में घुस गए और फिर ये मेरा हो गया, वो टेनेंसी एक्ट यहां लागू हो गया और इसमें से निकलते ही नहीं, और फिर इसी देह को मैं मानने लग गए और उसी के कारण सब दुख होता है। तो ये देह की आसक्ति को छोड़ने का तात्पर्य क्या है, ना कभी ये देह अपना था, ना ये कभी अपना रहेगा। अपनी एक भी बात मानता है क्या देह, ये कौन चाहता है कि हम बीमार होवे, लेकिन प्रत्येक के जीवन बीमारी आती है। यदि ये देह अपना होता तो कुछ तो बात मानता ना, कुत्ता बात मान लेता है, उसको कहो कि टॉमी वहां बैठो खाओ मत, मालूम है ना आपको कुत्तों के नाम हमेशा अंग्रेजी होते हैं। आपने कभी सुना है क्या कुत्ते के नाम, श्री कृष्ण इधर आ जाओ। तो वो टॉमी को बोलो कि कुछ मत खाना तो वहीं बैठे रहेगा, हमारे से वो कुत्ता बढ़िया है, कम से कम बात मानता तो है। तो त्यक्त सर्व परिग्रह की बात है, ये समझ लेना इस जगत में कभी भी कुछ भी अपना नहीं था। ये बात जिसको समझ में आएगी वो इस जगत में कैसा रहेगा, जैसा हम लोग रेलवे में बैठते हैं उस समय जब तक बैठना है तब तक अपना है, जब अपना स्टेशन आ जाता है तो अपनी सीट खोल करके नहीं ले जाते, चलो भाई अपना स्टेशन आ गया, सीट अपनी थी तो खोल करके निकाल के ले गए, यह भारतीय जनता की संपत्ति है इसीलिए भारतीय जनता उसको उखाड़ के ले जा रही है, ऐसी बात नहीं है। तो त्यक्त सर्व परिग्रह का तात्पर्य है ये केवल समझना है कि जगत में कभी भी कुछ भी अपना नहीं था। ये कब होगा, जितना हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम होगा उतना ये जागृत अवस्था के वस्तु व्यक्तियों के साथ संबंध कम हो जाएगा। जितनी साधना हमारी अपने स्थूल देह के तादात्म्य को छोड़ने में लगेगी उतनी साधना हमारी जबरदस्त चल रही है, और बाकी जगत में कुछ भी करते रहो इसको सुधार इसको सुधार, आज तक कोई किसी का सुधार नहीं कर सका। इसीलिए निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा चलता है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, उसके जीवन में निराशा है, कोई अपेक्षा नहीं, आगे कुछ लेना देना नहीं है, जगत में किसी वस्तु का संग्रह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जिएगा कैसा, उसको तो बड़ा बोर होगा। तो कहते हैं शारीरम केवलम कर्म, उस व्यक्ति ने ये नहीं समझना चाहिए कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो आत्महत्या कर ले। हाँ, जब व्यक्ति अपने जीवन के प्राणों को धारण करने के लिए अन्न का भक्षण करता है, कपड़े पहनता है और ठीक जगह सोता है, तो ये हो गया शारीर कर्म, कर्म माने जिस कर्म के द्वारा शरीर का भरण पोषण होता है वो कर्म करने में किसी को पाप नहीं लगता। और इसीलिए बाबा जी लोग जब भिक्षा मांगते हैं, भवती भिक्षाम देई, तो भिक्षा मांगने में शास्त्र के अनुसार पाप नहीं है यदि उनमें ये पहले तीन गुण है, निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, ये तीन गुण जिसमें है उसको भीख मांग करके अन्न खाने का अधिकार है।
इसीलिए शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, खाना खाना, अपने तबियत का देखना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान शंकराचार्य अपने साधना पंचकम में लिखते हैं कि भिक्षौषधम गुज्जताम, जीवन में भिक्षा और औषध खाना चाहिए। यदि हमको कोई बीमारी है तो दवाई ले लो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आई डोंट लाइक एलोपैथी। अरे बाबा, एलोपैथी हो होम्योपैथी हो, सवाल ये है कि आप ठीक है कि नहीं, वही महत्व की बात है। ये क्या फर्क पड़ता है कि एलोपैथी खाओ कि होम्योपैथी खाओ, सवाल ये है अपनी तबीयत ठीक होनी चाहिए। इसीलिए शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम, और ऐसा जो व्यक्ति अपने जीवन में जीता है, अब उसका जीवन का सौंदर्य अगले श्लोक में बताते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। अब इस श्लोक में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, अभी हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, कल इसका विस्तार करेंगे। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की जीवन की पद्धति जीवन में अपनाई है वो कैसा होता है? फिर यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो मिला उसमें खुश है। द्वंद्वातीतः, उसके जीवन में द्वंद्व का प्रभाव नहीं, जीवन में सुख दुख आएंगे तो भी वो प्रभावित नहीं होगा। विमत्सरः, दूसरे के तरक्की को देकर के वो जलेगा नहीं। समहा सिद्धाव सिद्धौ च, जीवन में कभी लाभ हानि होगी, सिद्धि असिद्धि होगी, उसमें भी उसके मन का संतुलन टूटेगा नहीं। और ऐसा व्यक्ति कृत्वापि न निबध्यते, उसके जीवन में कर्म का बंधन नहीं आता। गतसंगस्य मुक्तस्य, जिसके जीवन में आसक्ति का त्याग हो गया है, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान के माध्यम से जिसका चेतस स्वरूप में स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति यज्ञाय आचरतः कर्म, उसके सभी के सभी कर्म परमात्मा के लिए होते हैं, और ऐसे कर्म समग्रम प्रविलीयते, उन कर्म के फल अपने आप समाप्त हो जाते हैं, वो उसको नहीं मिलते। और उसके पीछे टेक्निक क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, कर्म में सभी के साथ परमात्मा की बुद्धि लेकर के कर्म करें, तो उसी को कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधि। तो हमको सबको ब्रह्म कर्म समाधि सीखनी है। तो ये ब्रह्म कर्म समाधि सीखनी है। आपने अनेक समाधियों के नाम सुने होंगे, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, दृश्यानुविद्ध समाधि, देन शब्दानुविद्ध समाधि। तो ये एक नई समाधि भगवान दे रहे हैं, वो है कर्म समाधि। अब कर्म समाधि जिसको सुननी है, कल आकर के यहाँ आ जाओ, कल की बात कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।